चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गूगल और एप्पल। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। एप्पल सर्च की शुरुआत के बारे में बात करेंगे। क्या एप्पल गूगल को चुनौती दे सकता है? एप्पल की सफलता की संभावनाएं क्या है? गूगल के खिलाफ केस में एप्पल का क्या नुकसान है? इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। अंत में इससे संबंधित प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा में क्यों है? दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल के विरुद्ध अमेरिका में एंटी ट्रस्ट मुकदमा दर्ज होने के बाद सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माता एप्पल ने अपने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। एप्पल अपना खुद का सर्च इंजन बना रहा है ताकि उसके आईफोन समेत अन्य डिवाइस के लिए गूगल पर उसकी निर्भरता खत्म हो सके। आईफोन के नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 14 में एप्पल ने अपने सर्च रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया है। यह पहली बार है जब एप्पल के किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर गूगल के सर्च रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। एप्पल सर्च की शुरुआत के बारे में अब हम बात करेंगे। आईफोन के नए iOS 14 में जैसे ही यूजर कुछ टाइप करना शुरू करते हैं, उन्हें होम स्क्रीन पर वेबसाइट के लिंक डायरेक्ट दिखने लगे हैं। पहले यह सर्विस गूगल सबसे लिंक थी और रिजल्ट्स गूगल से ही आते थे। वेब सर्च कैपेसिटी एप्पल के इन हाउस डेवलपमेंट को सामने लाती है। यह गूगल के मुकाबले एप्पल का अपना सर्च इंजन को लाने की शुरुआत हो सकती है। आईफोन की होम स्क्रीन को राइट स्वाइप करने पर सामने आने वाली सर्च विंडो को एप्पल टुडे व्यू कहता है। इस पर एप्पल के जुटाए सर्च सजेशन सामने आते हैं, गूगल के नहीं। क्या एप्पल गूगल को चुनौती दे सकता है? करीब 2.5 साल पहले एप्पल ने गूगल के सर्च हेड को अपने टीम से जोड़ा था। तब कहा गया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिरी वर्चुअल असिस्टेंट की क्षमताएं बढ़ाने पर काम करेंगे। एप्पल ने हाल ही में सर्च इंजीनियर्स के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट भी दिए हैं। उसे ऐसे लोगों की तलाश है जो सर्च टेक्नोलॉजी को विकसित और लागू करे। गूगल सर्च को टक्कर देना आसान नहीं है। कई वर्ष लग सकते हैं, लेकिन एप्पल के पास ना तो पैसे की कमी है और ना ही क्षमता की। वह लंबे समय तक पैसा लगा सकता है। शुरुआत से ही बड़ा मार्केट शेयर लेने के लिए एप्पल के पास 1 अरब से ज्यादा एप्पल डिवाइस भी है। यदि एप्पल को लगता है कि उनका अपना सर्च इंजन होना चाहिए तो इसमें मुश्किल नहीं आने वाली। एप्पल की सफलता की संभावनाएं कितनी है? एप्पल ने अपने प्रोडक्शन में हमेशा अपने कंपोनेंट्स ही रखे हैं, जैसे आईफोन से आईपॉड और वॉच एसेसरीज को पावर देने वाली कस्टम चिप्स या उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मजबूत इंटीग्रेशन आदि। एप्पल ने 1 दशक से ज्यादा वक्त से गूगल को आईफोन का डिफॉल्ट सर्च इंजन बना रखा है। इसके लिए उसे 8 से 12 अरब डॉलर का सालाना पेमेंट गूगल करता है। इसी संबंध को जस्टिस डिपार्टमेंट ने गूगल के विरुद्ध मुकदमे में आधार बनाया है। एंटी ट्रस्ट मुकदमे में रेगुलेटर एप्पल को गूगल से अपने रिश्तों को बचाने या अपने सर्च पार्टनर के विरुद्ध खड़े होने को मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में एप्पल को अपना सर्च इंजन विकसित करने का विकल्प ज्यादा सुविधाजनक लगेगा। गूगल के खिलाफ केस में एप्पल का क्या नुकसान है? गूगल के खिलाफ केस में एप्पल केंद्र में है। उसे यह समझाना पड़ेगा कि उसने गूगल से अरबों डॉलर क्यों लिए। जस्टिस डिपार्टमेंट उससे एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट खत्म करने को भी कह सकता है। इससे अन्य कंपनियों को भी आईफोन के सर्च डिफॉल्ट्स में बराबरी से अधिकार मिल जाएगा। आज का प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में निम्न में से किस कंपनी के विरुद्ध एंटी ट्रस्ट मुकदमा दर्ज हुआ है? विकल्प ए गूगल, विकल्प बी रेडमी, विकल्प सी सैमसंग, विकल्प डी एप्पल। कमेंट सेक्शन में
आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं, मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।